हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं वेरी टेस्टी एंड वेरी फेमस डिश चिली पनीर। पनीर के बड़े पीसेस काट कर हमने उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया। अब उसमें नमक, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर मिलाकर अच्छी तरह से उस पर कोटिंग कर ली। आपको सूखा लगता है तो उसमें थोड़ा सा पानी की छींट लगाकर पनीर पर अच्छी तरह से कोटिंग कर ली। अब दूसरे डोंगे में हमने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 3 चम्मच टमाटो सॉस, 3 चम्मच सोया सॉस और 3 चम्मच चिली सॉस ली। उसको अच्छी तरह से चलाने के बाद हमने उसमें 2 चम्मच अरारोट डालकर चला लिया। हम पनीर को डीप फ्राई करते हैं। ब्राउन होने तक हमें उसको डीप फ्राई करना है। उसके बाद हम महीन कटा लहसुन, महीन कटी हरी मिर्च और महीन कटी अदरक डालकर अच्छी तरह से डालते हैं। उसके बाद उसमें प्याज डालकर थोड़ा सा भूनते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद उसमें शिमला मिर्च डालते हैं। उसको भूनने के बाद उसमें नमक और ब्लैक पेपर डालकर अच्छी तरह से डालते हैं। फिर अब उसमें जो हमने पानी बनाया था उसका वो डाल देते हैं और 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे उसमें। अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद हम उसमें पानी डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए उसको पकाते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बना हुआ था ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। यकीन मानिए ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह पनीर बना था। अभी हमारा पनीर बन चुका है। थैंक यू।